क्लास हो गई, गाड़ी साफ़ हो गई, रेडी हो गई एकदम, अब जहाँ भी जाने की तैयारी है। ये हमारे पप्पू भाई हैं। पप्पू भाई क्या हाल है? पप्पू भाई क्या कर रहे हो डिग्गी में? ओहो, हवा भरने वाली मशीन। तो भाई हवा तुम्हें भरनी है या गाड़ी में भरनी है? जिसमें होगा उसमें भर देंगे। चलो भरो टायर। टायर ये गाड़ी तो पंचर है नी? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो। हे गाइज, वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, हर इंसान के अंदर या कोई भी हो, भूख की जो बेचैनी होती है वो अलग होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पिद्दी की जो खरगोश है हमारा, हमारे घर में जब खाना बनता है तो रोहित की मम्मी जो है आटा गूंज रही है, और वो उस चीज़ के लिए बड़ा उत्सुक चाहता है कब मिलेगा मुझे आटा। ऐसा बिहेवियर हॉर्स का हो रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ उसको, भाई देखो, ये देखो खड़ा है सिलेंडर के पास, ये देखो, आजा आजा, आओ आओ, ले ले पिद्दी, लो इधर आ, इधर ले। ये लिया आटा, अब खा रहा, देखो आटा, नहीं देखो खा रहा है, अब पूरा खा लेगा इसको, आटे को गौर से देख रहा है, देखो डर भी लग रहा है उसे, और अपना पत्ता गोभी का डंठल वगैरह खा लिया उसने, पड़े हैं यहाँ पे वो खा लिए हैं, देखो लेके उधर ही जा रहा है, कह रहा मैं तेरे को दिखा देखूंगा नहीं। पर अब जानवर को भी ना डर लगता है या पता नहीं क्या लगता है, कहता उसे सब पता चल जाता है मेरी कुछ ना कुछ कर रहा है। गाइस, तो फिलहाल तो हमें अब नहाना धोना है, और क्योंकि अब हो रहा है ड्यूटी का टाइम, बच्चों को सुबह सुबह छोड़ दिया स्कूल, और मैं आ गया हूँ, गर्म पानी लगा लिया क्योंकि अब ठंडा ठंडा मौसम आ गया है फिलहाल। चलिए, और गर्मा गर्म रोटी बनेगी, खाएंगे पिएंगे और चल देंगे अपनी ड्यूटी पे। फिलहाल हमारा पिद्दी यानी खरगोश खा रहा है आटा, आटा गूंज रहा है, बढ़िया सब्जी चढ़ी हुई है वहाँ पे, वो है सब्जी बन रही है उसकी, राजस्थानी टिंडा जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो वही बन रहा है राजस्थानी टिंडा। होता है छोटा छोटा, आपने सीताफल देखा हो उस टाइप का होता है, सीताफल बड़ा होता है, वो साइज़ छोटा होता है। इस टाइम तो राजस्थान के टिंडे ही आते हैं, वैसे टिंडे तो अभी इस टाइम मौसम नहीं है उसका। हम चलिए चलते हैं अंदर, तो एकदम क्या कर रहा है मछली, सभी लोग आ गए, हम लेट हो गए थोड़ा सा, तो चलिए हम करते हैं गाड़ी साफ। क्लास हो गई, गाड़ी साफ़ हो गई, रेडी हो गई एकदम, अब जहाँ भी जाने की तैयारी है। ये हमारे पप्पू भाई हैं। पप्पू भाई क्या हाल है? पप्पू भाई क्या कर रहे हो डिग्गी में? ओहो, हवा भरने वाली मशीन। तो भाई हवा तुम्हें भरनी है या गाड़ी में भरनी है? जिसमें होगा उसमें भर देंगे। चलो भरो टायर। टायर ये गाड़ी तो पंचर है नी? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो। लग्जरी गाड़ियों में आती है भाई ये फॉर्चूनर इंडिवर, लेकिन फॉर्चूनर जो है इससे कमज़ोर है, ये ज़्यादा मजबूत है। अब क्योंकि अब आ भी नहीं, देखो स्पेस, देखो कितना काफ़ी स्पेस वगैरह है पीछे भी, कंफर्टेबल है गाड़ी, इसमें थकता नहीं बंदा। मैं तो गाड़ी से कंटिन्यू चलाया हूँ, कम से कम 8-8 घंटे चलाया हूँ कंटिन्यू, तो थकता नहीं इसमें। वैसे इनोवा पर किस्टा में भी थकता है, इसमें भी थकता है। चलिए फिलहाल अब करते हैं काम थोड़ा। इसमें ना कार्बन आ जाता है, तो हमेशा ही धोना चाहिए, इसमें कार्बन आ जाता है। जहाँ पे बाबा बागेश्वर धाम की कथा होनी है उसी पार्क में आए हैं यहाँ पे हम। CBG ग्राउंड जो है वही है, और यहाँ पे खूब सारे बोर्ड भी लग गए हैं यहाँ पे, और आज से ही भीड़ शुरू हो गई है। देखो ये लगा है श्री राम हनुमान संवाद हुआ है, ये देखो, तो वही देख रहे हैं, और पुलिस ने अपनी निगरानी में यहाँ से ले लिया है, पुलिस की भी गाड़ियाँ काफ़ी आ गई यहाँ पे, ये देखो सिक्योरिटी के लिए, ये देखिए। और लीला होटल के पास ही होनी है, आज से ही बंद कर लिया है, बैरिकेड हो गया है। ये सब बाबा की कथा हो गई, ये देखो अभी से बैरिकेड लग गया है यहाँ पे, पुलिस भी तैनात हो गई है, तो काफ़ी हाई सिक्योरिटी है यहाँ पे बाबा बागेश्वर धाम की। फिलहाल कल से शुरू है 2 बजे से, और आज से ही काफ़ी भीड़ हो गई यहाँ पे, मैं ऐसे ही आया था, और काफ़ी तादाद में पुलिस बल तैनात है यहाँ पे, और क्यों ना हो, हमारे बागेश्वर बाबा हैं। तो चलिए फिलहाल हम चलते हैं आगे। बैनर लगेंगे, अभी लगे नहीं है लेकिन कल तक रेडी हो जाएंगे, ये देखिए बैनर लग चुके हैं और लग रहे हैं अभी, ये देखिए यहाँ पे अभी से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं कथा में, देखिए। चलिए हम वापसी मुड़ रहे हैं। तो गाइस कल होने वाला है यहाँ पे खूब सारा रस, और हमने जगह देख लिया है, फिलहाल हम जा रहे हैं वापसी। लेकिन जो है मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कभी हमें भी दर्शन दें,
कभी उनके सामने पहुँचे, ये तो सब ऊपर वाला जानता है। और जो अपने आप ही बुलाते हैं, तो कल मैं ज़रूर कथा शुरू, अगर टाइम मिले तो ज़रूर इधर आऊँगा, हो सकता है मेरी अर्जी लग जाए। चलिए फिलहाल जल्दी आ, तो हर जगह लग गए हैं, देखो हर जगह लगे हुए बैनर कथा होने के बाबा के। चलिए कोशिश करेंगे अपन भी मिलने की, पर होता वही है जो परमात्मा चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन मिलना होगा, उसको मिलाना होगा, उस दिन अपने आप ही मिल जाएंगे बाबा से। चलिए चलते हैं अपने सफ़र की ओर। गई उधर से जाम था ना, बहुत ट्रैफिक था आज, तो मैं उधर से नहीं गया, कड़कड़ डुमा से आया हूँ इधर से। तो चल रहे हैं इधर से, चल रहे हैं इधर से, ना जाम मिल जाए, क्योंकि अब ये टाइम है जो है बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है, तो जाम लग ही जाता है ज़्यादातर। इधर अपना एम्स के पास जो फ्लैट हैं, गवर्नमेंट फ्लैट और जनता फ्लैट हैं, यहाँ पे गगनचुंबी फ्लैट हैं, यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ इस टाइम। मैं आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाते हैं, तो चलिए हम बाहर चलते हैं थोड़ा सा। सोसाइटियाँ ही सोसाइटियाँ हैं ऊपर, कितनी ऊँची ऊँची सोसाइटियाँ भाई, काफ़ी गगनचुंबी सोसाइटियाँ हैं यहाँ पर, ऊँची ऊँची। यहाँ पे अक्सर आता रहता हूँ मैं, वही देख रहा हूँ, काफ़ी सुंदर यहाँ पे फ्लैट बने हुए, मस्त अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। फिलहाल मैं आया हूँ यहीं पे, साउथ एक्स की मार्केट पूरी सजी हुई है और काफ़ी ट्रैफिक है गाइस, देखिए काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पे साउथ एक्स में। मैं अभी साउथ एक्स हूँ इस टाइम, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, ट्रैफिक ट्रैफिक। आगे ना एक मार्केट है, बहुत अच्छा है, वहाँ पे ना एक बस बनी हुई है, उसको देखते हैं किस टाइप का है वो, अंदर क्या है उसमें, तो चलिए चलते हैं आगे की। मेरे पीछे कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी मार्केट है साउथ ईस्ट की, ट्रैफिक ही ट्रैफिक। सामने मेट्रो है, जो सामने लोग जा रहे हैं मेट्रो में, ये है वो बस, देखो बस टाइप का बना हुआ है ऊपर, फूड बस इंडिया, कितना सुपर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। दूर से ना बस ही लग रही है, देखो बस, इसमें ना बस फूड इंडिया लिखा हुआ है, तो खाने पीने की चीज़ें इसमें मिलती होंगी शायद। अंदर क्या है, इधर हम देखते हैं ऊपर आए भाई, तो देखते हैं क्या है, काफ़ी अच्छा है, देखते हैं बोलते हैं भाई कैसा है, पहली बार तो दोस्तों ये है रेस्टोरेंट, अंदर है बस के अंदर है, बना हुआ बस के अंदर, तो काफ़ी सुंदर है, और कभी आएंगे, लेकिन आज मैं ऐसे आया था, देखने देखते हैं शीशा लगा हुआ है, यहाँ दरवाज़ा है, आप देखो यहाँ से काफ़ी सुंदर सीढ़ी वगैरह है यहाँ पे, और पीछे आप मैं देख रहा हूँ पीछे मार्केट, पीछे मार्केट आएगा। चलिए फिलहाल चलते हैं, है साउथ एक्स में, रेस्टोरेंट टाइप का है, आपको डोसा वगैरह खाना कुछ भी खाना होगा मिल सकता है, चलिए हम चलते हैं। का बना हुआ देखो, बस का टायर भी लगा हुआ है इसमें, ऊपर है रेस्टोरेंट, बाजार है ना, बाजार है ना, पापा देख रहे हैं, आना चाहिए हम पैसा देने के लिए, हां दो 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 छोटे छोटे आ गए हमारा पल्ला उठा ले जाओ भैया, ले बेटा कैसे दिए भैया आलू, अरे मैं हाथ वाला। फिलहाल अपनी छोटी बेटी पायल के साथ आया हूँ बाजार में सब्जी लेने, और आपको दिखा रहा हूँ खूब सारा व्यू, देखिएगा मैं अपनी बेटी के साथ आया हूँ बाजार करने के लिए, तो बेटी ने कहा पापा मैं ब्लॉग बनाऊंगी, मेरा बेटा बना ले, तो हम दिखा रहे हैं आपको सब्जियाँ खरीदते हुए, मैं खुद खरीद रहा हूँ। स्टार वाले टेंडे गाइज, आज अपनी छोटी बेटी के साथ मैं आया हूँ शुक्र बाजार, क्योंकि आज है शुक्रवार, और मैं खरीदने आया हूँ सब्जियाँ, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं अपने पायल के साथ, खूब सारी सब्जियाँ हैं, और वैसे सब्जियों का सीज़न भी चल रहा है इस टाइम, सर्दियों में कोई सब्जी की कमी नहीं होती, सीजन ही होता है। और ये देखिए संतरे और गाजर, काफ़ी खूब सारी सब्जियाँ हैं, टमाटर वगैरह भी हैं, तो चलिए हम लेते हैं सब्जियाँ अपनी पायल के साथ। पापा प्याज तो ले ली, दोबारा लेंगे वाली,
बंडे 30 रुपये गाजर 20 रुपये गाजर शिमला मिर्च तो चलिए गाइस, फिलहाल सब्जी हम ले चुके हैं, बस कुछ ही रह गए हैं। इसके बाद हमें टमाटर लेने हैं जो कि हम आगे ले लेंगे। हमने शिमला ले ली, मटर ले ली, प्याज ले ली, आलू ले लिए, खूब सारी सब्जियाँ ले ली। और आगे ये है ठेली वाला, इससे हमें टमाटर अच्छे लग रहे हैं, इससे हम टमाटर लेंगे। इससे भाई से टमाटर लेते हैं, 20 रुपये किलो दे रहा है, बढ़िया सस्ते टमाटर हो गए हैं। अभी बीच में बहुत महंगे थे तो हम यहाँ से टमाटर लेते हैं। और ऐसे ही खूबसूरत ब्लॉग के साथ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलूँगा आपके। तब तक के लिए गाइज बाय बाय, चलते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे आपको। तब तक के लिए बाय बाय।